इस भेद के और अचानक फैसले की वजह जान सकता हूँ मैं? बस मैंने कह दिया ना कि नहीं करनी मुझे अपने जवाब की उरूज से शादी। उरूज अमेरिकन लड़की है, शादी के बाद मेरे बेटे को अमेरिका ले गई तो मैं क्या करूँगी भला? तो ये बात तुम्हें अब मालूम हुई है, तुम्हारा बेटा इतने अरसे से कनाडा में रह रहा है, अब अगर अमेरिका चले जाएगा तो क्या मसला है? मैंने कहा ना मुख्तार साहब, नहीं करनी मुझे अपने जवाब की शादी उरूज से। और वैसे भी जवाद की शादी का इख्तियार आप मुझे दे चुके हैं, अब मैं जवाद की शादी उरूज से करूं या जवाल से आप नहीं बोलेंगे बीच में। हाँ तुम्हारी मर्जी, जो जी चाहे करो। आए बेड़ा खर्क, क्या मुसीबत है। हाँ बोलो नरगिस। अब फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? यही कि उरूज और जवाद का रिश्ता सिर्फ उस सूरत में होगा अगर तुम अपने जहन से शादी का ख्याल निकाल दोगी। फयाज से शादी तो मैं अब करूंगी, तुम कर लो जो भी करना। क्या हो गया तुम्हें नादरा? इफ्रा ये हरगिज नहीं होने देगी। तुम मेरी बात सुनो नरगिस, तुम मुझे इफ्रा की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश मत करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती, सच बता दो। तुम खुद नहीं चाहती ना कि मेरी शादी हो फयाज से। तो ठीक है, ये रिश्ता यहीं खत्म समझो, बल्कि अपना और मेरा भी रिश्ता खत्म ही समझो। तो मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मेरी बहन इतनी खुदगर्ज है। तुम्हारा रिश्ता मैंने मुख्तार से किया ना, खुद करवाया ना मैंने, माथे पे बल नहीं आने दिया, कभी तुम्हें जताया नहीं। और तुम अपनी बेवा बहन की कोई खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल रही हो तुम। मेरा गुस्सा तुम उन बेचारे बच्चों पे क्यों निकाल रही हो? धमकी दे रही हो नहीं करना रिश्ता, ना करो। बस बहुत हो गई, सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया है, अब नादरा अपने लिए जिएगी। पागल हो गई हो तुम, बिल्कुल सठिया गई हो नादरा तुम। ये तो ताने देने पर उतर आई, मैं सारगिस नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बोलो जवाद, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ जरूर मिल सकते हैं, बताओ कहाँ है। मैं आपको इस रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप यहाँ आ जाए। ओके। नरगिस आंटी ने आपके और मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने बताया। मगर क्यों? इस सब में मेरा क्या कसूर है? किस सब में? अगर नादरा मामी फयाज अंकल से शादी करना चाहती हैं तो इस सब से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। पहले मुझे लगा कि नादरा मामी वैसे ही अपनी तन्हाई खत्म करने के लिए ये सब कर रही हैं, मगर वो फयाज अंकल से शादी करने में सीरियस हैं। एक सेकंड, मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि फयाज सच और नादरा खाला शादी है, तू क्या कही जा रही है? और ये सब कुछ इफ्रा को भी पता है? जी बकौल नादरा मामी के इफ्रा सब जानती है, इनफैक्ट वही ये सब कुछ करवा रही है। What? What is going on, यार? मैं बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप? यही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? Exactly. अगर नादरा मामी को फयाज अंकल से शादी करनी है तो करें, इस सब से हमारा क्या लेना देना है? हाँ तो फिक्र ना करो, मैं बात करता हूँ।
जवाद कहीं आप भी इस रिश्ते से पीछे तो नहीं हट रहे? परेशान हूँ और शान आदमी खुद ब खुद थोड़ा बहुत पीछे हट ही जाता है। जवाद, मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हूँ। बहुत कुछ प्लान कर लिया है मैंने और मेरे लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा। फिक्र ना करो रोज, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे से शादी करें। सो डोंट वरी, कोई सलूशन लिख लेगा। खैर, तुमने ऑर्डर किया? एक्सक्यूज मी।